तो कैसे हो दोस्तों, लेकर आ गए हूँ मैं फिर से आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले कि अगर आपको भी अपने मोबाइल को जल्दी चार्ज करना है तो आप आसानी से जल्दी चार्ज कर सकते हैं। तो अगर आपको नहीं पता तो आज के इस वीडियो में बने रहे। तो आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे ट्रिक एंड टिप्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल को आसानी से फास्ट चार्जर कर सकते हैं। अगर आपको भी इन सभी टिप्स के बारे में जानना है तो आज के इस वीडियो में बने रहें। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अपने मोबाइल को जब भी आप चार्ज लगाएं तो चार्ज लगाते टाइम अपने मोबाइल को हमेशा स्विच ऑफ करके चार्ज लगाएं। किसी भी मोबाइल को जल्दी चार्ज करने के लिए अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके चार्ज करना सबसे बढ़िया तरीका है, क्योंकि जब आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर देते हैं तो मोबाइल के बैकग्राउंड में कोई भी एप्लीकेशन या सर्विस काम नहीं करता है, जिससे बैटरी जल्दी चार्ज हो जाती है। और ये ऐसा तरीका है जो स्मार्टफोन के अलावा कीपैड वाले मोबाइल में भी काम करता है। इसके बाद दूसरा तरीका, अपने मोबाइल को चार्ज लगाते टाइम उसमें फ़्लाइट मोड ऑन कर दें, उसके बाद उसे चार्ज लगाएं। एरोप्लेन मोड को ऑन करके आप अपने मोबाइल को जब चार्ज लगाते हैं तो मोबाइल की चार्जिंग स्पीड बढ़ जाती है और मोबाइल जल्दी चार्ज होता है, क्योंकि ऐसा करने से मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता जिसके कारण डाटा ट्रांसफ़र नहीं होता है और बैटरी कम खर्च होती है। एरोप्लेन मोड आपको किसी भी मोबाइल के सेटिंग में मिल जाएगा, आप इसे ऑन करके अपने मोबाइल को चार्ज लगाएं। इसके बाद आपके मोबाइल की चार्जिंग स्पीड बढ़ जाएगी और जल्दी चार्ज होगा। इसके बाद तीसरा है, GPS, वाईफाई, इंटरनेट और ब्लूटूथ को बंद रखें। जब भी आप अपने मोबाइल को चार्ज लगाएं तो आप अपने मोबाइल में GPS, वाईफाई, इंटरनेट और ब्लूटूथ को बंद करके फिर मोबाइल को चार्ज लगाएं, क्योंकि ये जब तक ये आपके मोबाइल में ऑन है तब तक आपके मोबाइल की बैटरी जल्दी ख़त्म होती है। इसलिए जब भी आप अपने मोबाइल को चार्ज लगाएं तो इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें कि इन सभी सर्विस को आपको बंद करना है, क्योंकि ऐसा करने से जो भी बैकग्राउंड में कुछ काम चल रहा होता है वो सभी काम वहाँ पर बंद हो जाता है और आपके फ़ोन की बैटरी जल्दी चार्ज होने लगती है। इसके बाद चार नंबर, अपने मोबाइल के साथ जो ओरिजिनल चार्जर आता है उसी चार्जर से अपने मोबाइल को चार्ज करें। बहुत बार जब हमारा चार्जर नहीं मिलता है या फिर कहीं खो जाता है तो हम जल्दबाजी में कोई लोकल चार्जर का इस्तेमाल करके अपने मोबाइल को चार्ज करने लगते हैं। ऐसा करने से मोबाइल की बैटरी लाइफ कम हो सकती है, क्योंकि जो चार्जर आपके मोबाइल के साथ दिया गया था वे आपके बैटरी की पावर को ध्यान में रख करके बनाया गया है। अगर आप कोई नकली या कोई लोकल चार्जर इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके मोबाइल की बैटरी लाइफ कम हो जाती है, जिससे मोबाइल चार्ज होने में काफ़ी समय लगता है और आपके मोबाइल की बैटरी भी ख़राब होने का चांस बढ़ जाता है। तो इसलिए आपको अपने मोबाइल के साथ जो ओरिजिनल चार्जर आता है उसी चार्जर से अपने मोबाइल को चार्ज करना चाहिए। इसके बाद चार्ज करते समय अपने मोबाइल को ना चलाएं। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो मोबाइल चार्ज करते समय गेम खेलते हैं, कॉल पर बात करते हैं या फिर वीडियो देखते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत आदत है। ऐसा करने से आपका मोबाइल गर्म हो सकता है, विस्फोट की संभावना भी रह जाती है। इतना ही नहीं, इससे मोबाइल की बैटरी भी ख़राब हो जाती है, जिसके कारण मोबाइल चार्ज होने में समय लगता है। इसलिए आपको कभी भी मोबाइल को चार्ज करते समय अपने मोबाइल को ना छेड़ें और उसमें कुछ भी एक्टिविटी नहीं करें। इसके बाद बैकग्राउंड ऐप्स बंद करें। कभी भी 2-3 से ज़्यादा एप्लीकेशन एक साथ ना चले, इससे मोबाइल बैटरी पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। जब आप बहुत से ऐप्स एक साथ चलाते हैं तो मोबाइल के बैकग्राउंड में भी वो सभी एप्लीकेशन काम करते हैं, ऐसे में बैटरी भी जल्दी ख़त्म हो जाती है। इसलिए जब भी मोबाइल चार्जिंग में लगाए बैकग्राउंड ऐप्स को हटा करके ही अपने मोबाइल को चार्ज लगाएं। तो अगर आपके मोबाइल का चार्जर कहीं पर खो गया है तो आपको नया चार्जर खरीदना है तो इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने बताया है कि आपको अगर अपने मोबाइल का चार्जर परचेज करना है तो चार्जर किस प्रकार का खरीदना चाहिए, उसके बारे में मैंने आपको उसमें सारी जानकारी बता दी है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जब भी आपका मोबाइल डिस्चार्ज होता है तो जब भी आपका मोबाइल 10% तक आ जाता है उसके बाद आप अपने मोबाइल को चार्ज लगा दें और 85% होने के बाद आप अपने मोबाइल के चार्जर को वापस से निकाल दें, क्योंकि आपको अपने मोबाइल को कभी भी 100% चार्ज नहीं करना है और आपको कभी भी अपने मोबाइल को 0% बैटरी पर लाने के बाद चार्ज नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से आपके मोबाइल की बैटरी ख़राब होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए आपको अपने मोबाइल को 10% से ऊपर हो तभी उसे चार्ज कर लें और 85% तक चार्ज होने के बाद आप अपने मोबाइल को चार्जर से निकाल दें। हम सभी लोगों की आदत होती है कि हम सभी अपने मोबाइल को चार्ज लगा दें, चार्ज लगाने के बाद 30 मिनट के बाद ही वापस से उसे निकाल देते हैं, अपना काम कर लेते हैं, उसके बाद वापस से चार्ज लगा देते हैं। ज़्यादा बार मोबाइल में चार्ज लगाना और बाहर निकालने से मोबाइल की बैटरी पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आपको अपने मोबाइल की बैटरी जब 10% से कम हो जाए तब अपने मोबाइल को चार्ज लगा दें और जब 2 घंटे बाद जब आपके मोबाइल की बैटरी 85% हो जाती है तब भी अपने मोबाइल को वो चार्जर से निकालना चाहिए। बार बार आप उसमें चार्ज लगाना और बाहर निकालने
से आपके मोबाइल की बैटरी जल्दी ख़राब होगी और ऐसा करने से आपके मोबाइल में चार्जिंग स्पीड भी कम होगी। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको मोबाइल फ़ोन को जल्दी किस प्रकार से चार्ज किया जाता है इसके बारे में मैंने आपको सारी जानकारी बता दी है। आप इन निम्नलिखित टिप्स को फॉलो करके अपने मोबाइल फ़ोन की चार्जिंग स्पीड को आसानी से बढ़ा सकते हैं और कम से कम समय में अपने मोबाइल फ़ोन को आसानी से चार्ज कर सकते हैं। तो कम से कम समय में अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं तो ऐसे में बैटरी जल्दी ख़त्म होने की समस्या से परेशान है तो आपको 5000 mAh से ज़्यादा पावर वाले मोबाइल खरीदने चाहिए। आजकल के मोबाइल में क्विक चार्जिंग का भी फीचर आ जाता है जिससे कम समय में मोबाइल चार्ज हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहा होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक बात, अगर आपको अपने मोबाइल फ़ोन के लिए नया चार्जर परचेज करना है तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को भी आप वहाँ पर देख सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।